सो मैं हमेशा अमेज होती हूँ ये सोच के कि लोग कितना क्रिएटिव हो सकते हैं यार. और कई बार तो कई ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जो वेस्ट चीज़ों से, जिसे हम घर में बिल्कुल ऐसे पटक देते हैं कि इनका तो कोई काम नहीं, उससे भी बहुत अच्छा आर्टिस्टिक वर्क कर लेते हैं. बट आज जिस आर्टिस्टिक वर्क की मैं बात करने वाली हूँ, एक्चुअली इसे देखने के बाद आई एम सो फैसिनेटेड. मिनिएचर फेरी लैंड्स मीन्स ये कुछ ऐसे आर्ट हैं जो आपको सुकून भी देते हैं देखने में, और जब आप सीखते हो तो आपको सीखने में भी मज़ा आता है, देखने का तो एक अपना ही मज़ा है. और ये एक बहुत ही न्यू कॉन्सेप्ट है, बहुत जल्दी पॉपुलर हो रहा है, सिटी के लोग इसे बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं. इसे आप अपने डेकोरेटिव पर्पज़ के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, इसमें आप बॉन्साई लुकिंग प्लांट्स लगा सकते हैं, आप इसमें, ये इतना मिनिएचर साइज होता है कि आप इसे कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, तो इसकी इसे आप कहीं भी अच्छे से डेकोरेटिव आइटम के तौर पे यूज़ कर सकते हैं. प्लस इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो आप एड ऑन कर सकते हैं, आपका खुद का भी मन लगेगा और आप जब अपने द्वारा कुछ बनाएंगे तो उसको देखने का भी एक अपना सुकून होता है. सो आज मैं ज्योति गुप्ता मैडम के यहाँ पहुँची हूँ, ईशा इंस्टीट्यूट, जहाँ पे मैं सीखने तो नहीं वाली हूँ पर समझने ज़रूर वाली हूँ. सीखने के लिए तो थोड़ा सा वक्त लगता है, एक डेडिकेशन लगता है, पेशेंस लगता है, और उसके बाद आप किसी भी चीज़ की परिकल्पना करके उसे आकृति में बदल सकते हैं. बट बेसिकली आज मैं समझने वाली हूँ कि फेरी गार्डन्स क्या है, फेरी गार्डन्स में क्या क्या आने वाला है, क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, कैसे इसे डेवलप किया जाता है, क्या क्या इसका यूसेज है, इसे कहाँ कहाँ हम इसे एग्जिबिट कर सकते हैं, अपने घर में कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, ये सब कुछ जानेंगे. सो लेट्स हैव अ लुक टू द ब्यूटीफुल फेरी गार्डन्स. ज्योति गुप्ता मैडम के साथ जुड़ना हमेशा से एक सुखद अनुभव होता है, क्योंकि इन्होंने जो क्राफ्ट ये सिखाती हैं बच्चों को, जो बहुत ही बेसिक चीज़ें बताई जाती हैं यहाँ पे, इट इज़ रिकमेंडेड फॉर एवरीवन, बिकॉज ये कमाल कर देती हैं और छोटे छोटे एलिमेंट से इतना अच्छा क्राफ्ट तैयार हो जाता है. और मेरे साथ ज्योति मैम है, मैम आपका वेलकम करती हूँ. आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम हम वापस से साथ में एक स्टोरी कर रहे हैं. मैंने मैम के साथ कई बार स्टोरीज की हैं, गणेश जी की मैंने कई बार बहुत सारी वर्कशॉप्स कवर की हैं, बट दिस टाइम इट वॉज अ वेरी वेरी अमेजिंग टॉपिक, फेरी गार्डन्स. और फेरी हमने बचपन से, जब भी हम फेरी वर्ड सुनते हैं तो बड़ा हमें अमेजिंग सा लगता है कि परियों का गार्डन कैसा होता होगा. ये कॉन्सेप्ट मैम बेसिकली कहाँ से आया है और कैसे लोगों ने सोचा कि ऐसा फेरी गार्डन्स बना सकते हैं मिनिएचर बॉन्साइज लेकर? एक्चुअली मैं फेरी आर्टिकल्स में बहुत पहले से मैं बच्चों को सिखाती थी, एंड आई वाज मायसेल्फ फैसिनेटेड कि जो वेस्ट में भी ये एक कल्चर टाइप का है फेरी गार्डन्स डेवलप करना, और हमारे भारत में भी फेरीज यानी परियाँ तो एक बहुत मस्त एलिमेंट है किसी भी बच्चे की लाइफ में. कि बच्चों से जब हम बड़े होते हैं तब हम यही कहानियाँ सुनते आ रहे हैं, परियों की कहानियाँ कैसी होती हैं. और वेस्ट में फेरी गार्डन्स काफ़ी टाइम से डेवलप होते रहे हैं, इंडिया में भी होते हैं, बट मुझे ऐसा लगा कि इंदौर में ये चीज़ अभी मिसिंग है. और मैं ऑलमोस्ट 40 ईयर्स से लैंडस्केपिंग एंड प्लांट्स बोन्साइज में बहुत सालों से एक्टिव रही हूँ, तो व्हाट आई थॉट कि नेचर को, क्योंकि अब स्पेसेस बहुत कम हो गई हैं और स्पेशली बच्चों को प्लांट्स के प्रति अट्रैक्शन होना चाहिए, एक लाइकनेस होनी चाहिए कि आप पौधे को कैसे बड़ा कर सकते हैं, तो ये सेंसिटिव पार्ट को डेवलप करना होता है, मतलब उसको अट्रैक्टिव भी बनाया जा रहा है. यहाँ पे बॉन्साइज हैं, प्लांट्स हैं, स्मॉल प्लांट्स भी हैं, और
उनके साथ, नेचर के साथ हम यहाँ पे क्लब कर रहे हैं आर्ट को, कला को, कैसे उसे अट्रैक्टिव बनाया जा रहा है। आपने देखा कैसे कितने खूबसूरत फेरी गार्डन्स, फेरी लैंड्स बनाए हैं मैम ने, और इनके छोटे छोटे एलिमेंट्स बहुत खूबसूरत है। जैसे अगर एक परी कहीं बैठी है तो झरना होगा वहाँ पे, बॉन्जाई पेड़ होंगे वहाँ पे, कुछ ना कुछ पेबल्स होंगे, कुछ ना कुछ ऐसे खूबसूरत ही होगा। लैंडस्केप में मैम काफ़ी सालों से डील कर रही हैं, तो वो एक लैंडस्केप ही है बट उसे हमने एक फेरी गार्डन का स्वरूप दिया हुआ है। यहाँ पे मैम अगर हम ये आपकी गार्डन्स की बात करें, तो ये जो पहला था ये मेरा सबसे पहले मुझे इसी ने ही अट्रैक्ट किया। इसमें एक हट बनाया है आपने, पीछे शंख लगाया है, पेबल्स लगाए हैं, पानी दिखाया है, देन आप इनको कहते हैं मशरूम हट्स, मशरूम्स बनाए हैं आपने और बीच में बॉन्जा लगाया है। इसमें और क्या क्या आपको लगता है मैम एलिमेंट्स लगाए जा सकते? जैसे साइज अगर हमारे पॉट का बड़ा हो जाता है देन वी कैन ऐड ऑन सम अदर एलिमेंट्स। से पॉन्ड है, हम पॉन्ड भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये पॉन्ड बनाइए, ये क्या ये अच्छा रेजिन पॉन्ड है ये? ये कैसे बनाया मैम आपने ये? इसको एक्चुअली वाटरप्रूफ बनाना पड़ता है, तो मोल्डेड यूज करते हैं हम लोग जी। मोल्डेड के ऊपर स्टोन्स हमने पेस्ट किए एंड देन उस पे रेजिन पोर करते हैं, तो रेजिन से ये सॉलिड हो जाता है जी। और ये बिल्कुल पानी जैसा लग रहा है, पानी जैसा लग रहा है। आप डक बिठा दीजिए तो वो भी एक एक्स्ट्रा एलिमेंट हो जाता है। देन ये तो प्योर इमेजिनेशन है, फिक्शन है। आप जैसे डिज्नीलैंड में बच्चे कितना एंजॉय करते हैं, सिर्फ बच्चे ही नहीं हम भी इंजॉय करते हैं ना, तो वहाँ पे कैसे नेचर रहता है, नेचर के बीच में फेरीज हैं, एनिमल्स, जैसे आप ये छोटा पॉट है तो एनिमल्स वगैरह प्लेस ही हो सकते हैं, बहुत कंजेस्टेड हो जाता है जी। थोड़ा सा या बड़ी ट्रे ले लें हम, तो उसमें एनिमल्स का भी लैंडस्केप डेवलप हो सकता है जी। तो टोटल ये इमेजिनेशन है, आप जितना उसमें इमेजिन कर सकते हैं। और ये बनता कैसे मैम, ये जो आप छोटे छोटे पेबल्स तो खैर ठीक है, ये जो आप हार्ट्स बनाते हैं और ये आप मशरूम बना रहे हैं, ये कैसे आप डेवलप कर? ये कोल्ड पोर्सलिन एक मटेरियल आता है जो ड्राई होने पे हार्ड हो जाता है, उसको फिर वाटर प्रूफिंग कर देते हैं या फिर हम मोल्डेड यूज करते हैं जो रेजिन बेस्ड ही होता है जी। तो सीमेंट क्ले जो रहती है प्रॉपर, उसको रेजिन क्ले बोलते हैं मोल्डेड को, तो उससे हम चीज बनाते हैं, देन एक्रिलिक कलर्स और फिर फाइनल रेजिन कोटिंग। वाह, और ये ऐसा कुछ फाइनल बनके तैयार होता है। ये सेकंड वाला भी बहुत सुंदर है, इसकी तो फेरी भी बहुत अच्छी लगी मुझे, उसके पंख भी लगे हुए हैं। ये क्या यूज किया मैम आपने? ये स्टेप्स के लिए है, जैसे आप नेचर में आप जाके वुड में जाएंगे या वुड्स में, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि वुड कटिंग्स पड़ी रहती हैं ऐसी। ये क्या यूज किया है पर आप? ये स्टेप्स बनाए हमने हट के हिसाब से। अच्छा, एंड देन भी उसी से बनाए हैं? नहीं, ये नेचुरल अवेलेबल। अच्छा, है मार्केट में। okay. और बनाना हो तो आप मोल्ड से बना सकते हैं। ऐसे छोटा सा इन्होंने मैम ने एक छोटी सी बेंच बनाई है, हैंडमेड बेंच है ये, देखिए कितनी प्यारी लग रही है। मतलब इसे आप कैसे भी प्लेस कर दीजिए यहाँ पे, और जैसे कि एलिमेंट में मैंने बोला था डक है यहाँ पे, पेबल्स हैं, और ये जो बेसिक पत्थर वगैरह हैं, और जो आपने ये रॉक दिखाया है, रॉकरीज अवेलेबल है मार्केट। अच्छा, ओके, ढूंढना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। ये देखिए, ये एक और, ये इस पे तो लिखा भी है फेरी गार्डन, और ये छोटा सा बॉन्जाई लुकिंग मिनिएचर है, और ये कौन सा प्लांट है मैम बेसिकली? जेट प्लांट है जो कि बहुत कम स्पेस में और कम मेंटेनेंस में ये रख सकते हैं जी। तो हम कोशिश ही करते हैं कि जैसे स्टूडेंट्स, हाँ, स्टूडेंट्स को ऐसे प्लांट हम अवेलेबल करवाएं जो बुशी भी हों और मेंटेनेंस फ्री हों जी। बहुत ही कमाल, मुझे तो मतलब ये फेरी गार्डन देख के लग रहा है मेरे पास ऐसा कुछ फेरियों जैसा क्यों नहीं यार, मेरा भी कुछ ऐसा होना चाहिए। बिकॉज आप एक फैंटेसी वर्ल्ड इमेजिन करने लग जाते हैं, एंड दिस इज लाइक अ वेरी बिग थेरेपी व्हेन यू आर सैड, व्हेन यू डोंट हैव पॉजिटिव वाइब्स अराउंड यू। नेचर प्लस फैंटेसाइजिंग ब्यूटिफुल वर्ल्ड गिव्स यू इंस्टेंट पॉजिटिविटी एंड एनर्जी दैट यू आर लैकिंग राइट नाउ। सो यहाँ पे कुछ और भी मैम आपने एलिमेंट्स बनाए, ये आप जब बना रहे थे तो I was asking you कि ये क्या है, and then you told me something. ये आपने कभी जैसे वेस्ट में जो कल्चर है वो लोग हेलोवीन मनाते हैं, एंड उन लोगों की कुछ बौने, जब हम हमारे उसमें भी बौनों का जिक्र है, तो ये बौने हैं जो जिनको हम नोम बोलते हैं, GNOME, स्मॉल साइज के थे, मिनिएचर। अच्छा, इनकी आंखें नहीं होती, इनका वो कैप से कवर्ड है। अच्छा, यू कैन मेक आईज, लेकिन वो डेवलप करने के बजाय अगर हम इसको नेचुरल एक क्यूट सा लुक देते हैं। एंड देन यहाँ पे एक और आपने बनाया है, बहुत ही छोटा सा है ये तो, इसमें बहुत छोटा सा प्लांट जैसा लुकिंग है, और बहुत प्यारा सा बनाया, मतलब ये तो आप अपने किसी भी कॉर्नर वगैरह पे लगा सकते हैं। शोपीस है ये, शोपीस, हाँ, शोपीस आप जैसे आप नेचर को घर में ला के रख रहे हैं,
दैट्स द थिंग कि आपने छोटी सी चीज में आप, क्योंकि बड़े बड़े महानगरों में आजकल स्पेस तो है नहीं, पर लेकिन एक कॉर्नर जरूर रहता है जहाँ पे वो लोग ग्रीनरी लगा सकते हैं। जी मैम, इसका रिस्पांस कैसा मिला आपको? फेरी गार्डन सीखने बच्चे आ रही हैं, मजे आ रहे हैं? बहुत ज्यादा रिस्पांस, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना रिस्पांस मिलेगा जी। क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ा सा प्लांट्स का कम रखती हूँ, प्लांट्स की मेंटेनेंस नहीं हो पाती तो मरते भी हैं, बट ये प्लांट्स जब मैं लेके आई नर्सरी से तो ये इजीली मेंटेन भी हो रहे हैं और बच्चे बहुत अच्छे से रिस्पांस दे रहे हैं। और अभी तो लॉकडाउन खुले 2 ही महीने हुए हैं ऑलमोस्ट, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। काफ़ी 2 वर्कशॉप्स मेरी अच्छी सक्सेसफुल रही। क्या बात है मैम। यहाँ पे बेसिकली कुछ एलिमेंट्स जिनकी हम बात कर रहे थे वो मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि ऐसे एलिमेंट्स बनाए जाते हैं मैम, ऐसे डेवलप करते हैं, जैसे ये गेट बनाया है, अब ये अगर ये हट बना, ये गेट ही आई मैम है ना, ये गेट बनाया है देखिए आप, देन ये साइन बोर्ड है, इस पर आप कुछ भी लिख सकते हैं और ऐसे साइन बोर्ड बना सकते हैं, देन ये टेबल तो मैंने दिखाई थी, सिटिंग टेबल जो है, ये मशरूम हट्स आपने कहा था, ये मशरूम हट्स बनाए हैं देखिए। सो ऐसे ऐसे कुछ ये एलिमेंट्स होते हैं जो मैम ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स बनाती हैं और फिर सिखाती हैं बच्चों को, और फिर उसके बाद ये पम्पकिन हट है, पम्पकिन से बना हुआ हट है देखिए, हाँ कितना क्रिएटिव है ये और कितना सुंदर है ये, कैन यू इमेजिन दिस, इतना प्यारा लग रहा है जी। हाँ जी बिल्कुल। सो ऐसे ऐसे देखिए कितने सुंदर सुंदर हट बने, तो ये छोटे छोटे एलिमेंट्स बनाती हैं, ये तो कैसल दिख रहा है मुझे, ये कैसल है। सो ऐसे कुछ एलिमेंट्स बना के और फिर इनको कोलैबोरेट करके बॉन्साई मिनिएचर प्लांट्स के साथ एक अच्छी बड़ी ट्रे में जितना आपका स्पेस आप रिक्वायर्ड करते हो उसके साथ और नेचुरल एलिमेंट्स जोड़ जोड़ के मैम ने फेरी गार्डन्स बनाए हैं, और आई एम सुपर एक्साइटेड टू लर्न दिस। ऑल दो मैम से मुझे टाइम लेना पड़ेगा कि मैम मुझे भी सिखाइए, थोड़ा सा क्रिएटिव लेवल कम है इस मामले में, बट कूडोज टू ऑल दी इमेजिनेशंस जो मैम बच्चों में डालती हैं, और बच्चे खुद भी अपने, फिर मैम ऐसा भी होता होगा ना कि एक टाइम के बाद बच्चे खुद भी आपको सजेशंस देते होंगे कि मैम हम ऐसा कर लें या ऐसा कर लें। मैं उनसे पूछती हूँ कि तुम बताओ तुम्हें फेरीलैंड में और क्या क्या चाहिए, और हम हैंडीक्राफ्ट इसलिए प्रेफर करते हैं कि मार्केट में अवेलेबल हालांकि सब चीज़ें लेकिन बहुत कॉस्टली भी हैं और अटैचमेंट नहीं हो पाता, ये तो फिर कंपोज कर दिया कि आपने 4-5 चीज़ें लगा के बना लिया, लेकिन बच्चे जब खुद बनाते हैं दे थिंक कि उससे अटैचमेंट भी होता है और खुद का बनाया हुआ एप्रिशिएट मोल्ड से कर रहे हैं फिर उसे पेंट कर रहे हैं, तो वो एक अटैचमेंट। सही कहा मैम ने कि आपके हाथों द्वारा बनी हुई चीज़ की बात ही कुछ और होगी, क्योंकि उससे आपका लगाव ज़्यादा होगा, इमोशनल कनेक्शन ज़्यादा होगा। थैंक यू सो मच मैम, आप हमेशा जब भी कुछ ना कुछ नया ही हमको बताते हो, और आपका क्रिएटिव लेवल देख के ऐसा लगता है कि क्रिएटिविटी की कोई बेसिकली लिमिट नहीं होती, आप बस आपको सोचना है कि आप क्या क्या कर सकते हो, एंड स्काई इज द लिमिट, खूब सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं आने वाले समय में। और मैम ऐसे कोई प्रोजेक्ट्स जो आप सोच रहे हैं करना चाहते हैं? अभी मैं सोच रही हूँ कि फेरी गार्डन्स तो हुए हैं लेकिन अभी ये थोड़े मिनिएचर्स लेवल पर है, और मैं थोड़ी फ्रे गार्डन्स में डेवलप कराना चाहती हूँ, या बालकनी है आपकी तो एक कॉर्नर फेरी गार्डन में डेवलप करें तो उसमें प्लांटेशन भी अच्छा होगा, ग्रीनरी रहेगी, ग्रास रहेगी, एंड वो कॉर्नर घर का सबसे अमेजिंग कॉर्नर हो जाएगा। आप वहाँ बैठ के चाय पी सकते हैं, मैम आगे आ जाएं, आप वहाँ पे बैठ के बतिया सकते हैं खूब, मतलब आप देखिए सुकून है। आप सोचिए कि आपके कॉर्नर एक डेवलप हो चुका है गार्डन के तौर पे, जिसमें फेरी गार्डन्स के एलिमेंट्स रखे हुए हैं, थोड़े से बड़े आई गेस क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा एरिया लिया है, अब आप सोचिए कितना मज़ा आएगा, पेबल्स लगे हैं वहाँ पे, कुछ छोटी मोटी चीज़ें आपने बना बना के अपने खुद के हाथों से। सो आई थिंक मैं तो सोच के ही अभी बहुत खुश हो गई मैम, आप ऐसा कोई अपने घर में डेवलप करें तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं वापस से भागी भागी चली आऊँगी। सैन थैंक यू सो मच मैम, ऑल दी बेस्ट आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए और आपके अपकमिंग वर्कशॉप्स के लिए। थैंक यू जी, आप आई यहाँ पर, बहुत अच्छा लगा मुझे, और स्पेशली मुझे ये अच्छा लगा कि और ये कल्चर बढ़े इंदौर में, नॉट ओनली मी और भी लोग हैं जो बोनसाई ट्रेज वगैरह सब डेवलप करते हैं, उसमें अगर इस टाइप से कुछ एलिमेंट्स ऐड करके डेवलप करें तो इट वुड बी अ मिरेकल, रियली बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। क्रिएटिविटी में भी इंदौरी किसी से पीछे नहीं होते, बट ऑन दिस नोट अभी समय है कि हम एक बार और लेट्स हैव अ लुक टू द अमेजिंग फेरी गार्डन्स।
with all the princes, all the fairies out there, and बचपन की याद भी आ जाती है, मज़ा आ जाता है ऐसा कुछ देखने में. प्लस आप एक चीज़ देखिए कि जब आप किसी आर्ट से जुड़ते हैं, जब आप किसी कला में अपने आप को इंडल्ज करते हैं, आप दुनिया भर की सारी परेशानियां भूल के अपने आप को अपलिफ्ट करते हैं. सो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको सीख के कुछ बहुत अचीव करना है, पर अगर आप पीस ऑफ माइंड, हैप्पीनेस इन योर एटीट्यूड, लव इन योर आइज़, अगर ये सब आप चाहते हैं आपकी लाइफ में होना, तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि आप नेचर से जुड़ें, आप कला से जुड़ें, आप आर्ट से जुड़ें, आप बेसिकली कोई ना कोई ऐसा काम ज़रूर करें जो आपको खुशी भी दे, सेटिस्फेक्शन भी दे और आपका अपलिफ्टमेंट भी हो. सो मुझे बड़ा मज़ा आया आज यहाँ पे आके. ज्योति मैडम ने बहुत अच्छे से हमें एक्सप्लेन किया कि कैसे हैं फेरी गार्डन्स और कैसे डेवलप होते हैं ये. सो यू कैन ऑल्सो डू, और अगर नहीं आया आपको समझ में तो ज्योति मैम से आके एक बार समझ लीजिए, सीख लीजिए, उसके बाद अपने घर के सारे कोनों में फेरी गार्डन्स बना दीजिए. वेल ऑन दिस नोट आई एम योर चैटबॉट जॉय साइनिंग ऑफ विद द कैमरा पर्सन मनीषा उजागर जी, बट यू गाइस कीप वॉचिंग हैथवे बी टीवी, क्योंकि जमाना हुई थी यंगस्टर्स का.